हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और पेज नंबर है 48। तो इसके 1 to 6 सोल्व क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर अरेंजिंग 790 मैंगो प्लांट टू फॉर्म ए स्क्वायर, ए गार्डनर हैज़ 6 प्लांट लेफ्ट ओवर, हाउ मैनी प्लांट्स वर देयर इन ईच रो। देखिए, एक गार्डनर ने जो प्लांट लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टोटल प्लांट्स हैं 790 और जो प्लांट यूज हुए हैं या प्लांट यूज्ड कितने हुए हैं, इसमें से कितने प्लांट रिमेनिंग हैं यानी कितने बच गए हैं, 6। तो 790 माइनस 6 यानी 784 उसने प्लांट यूज किए हैं और उनको इस तरह से लगाया है कि जितने एक रो में प्लांट हैं उतनी ही टोटल रो हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट इन वन रो, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, तो ये हो जाएगा √784 और नंबर ऑफ रो भी यही होंगी और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो भी यही नंबर होगा। तो 784 ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 392 और इसके बाद लास्ट डिजिट इवन है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 196। फिर भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 98 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा 49। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये जो आपके पेयर बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 7, पेयर में से एक डिजिट लेंगे तो 28 प्लांट्स यानी 28 ही रो होंगी और एक रो में 28 ही प्लांट होंगे। पहले जो प्लांट यूज नहीं हुए उनको माइनस कर देंगे तो 784 आएगा और नंबर ऑफ रो निकालें या नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो निकालें तो 784 का स्क्वायर रूट लेंगे और उसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से ये डिवाइड होता जाएगा, लास्ट में 7 से होगा तो यहाँ पे 2 का पेयर, फिर दूसरा भी 2 का पेयर, तीसरा 7 का, हर पेयर में से एक डिजिट लेंगे तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एन आर्मी जनरल अरेंज द हिज सोल्जर्स इन सच एज वे दैट द नंबर ऑफ रो इज द सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स, इन द डूइंग ही फाइंड दैट 55 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट, इफ द टोटल नंबर्स ऑफ सोल्जर इज 6455 तो फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे आएगा टोटल सोल्जर्स, ठीक है, ये है 6455 और अरेंज सोल्जर्स हैं 6455, इसमें से 55 अरेंज नहीं हुए हैं तो वो हैं 6400, ठीक है। और नंबर ऑफ सोल्जर इन वन रो,
नंबर ऑफ इन ईच रो, जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया सिर्फ उसी की तरह, तो ये आएगा 6400 का स्क्वायर रूट। अब 6400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा 32, 2 से डिवाइड होगा 1600, 2 से डिवाइड 800, 2 से डिवाइड 400, 2 से डिवाइड 200, 2 से डिवाइड 100, 2 से डिवाइड 50, 2 से डिवाइड 25, 5 से डिवाइड 5, और तो देखिए 1, 2, 3, 4 फोर पेयर तो आपके 2 के होंगे और 1 पेयर 5 का होगा, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5। देखिए 2 के 4 पेयर हैं और एक 5 का पेयर है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 8 × 16, 5 × 80 सोल्जर्स होंगे और 80 ही रो होंगी, 80 रो होंगी और हर रो में 80 सोल्जर्स होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 8, 9 और 10। तो ऐसा स्क्वायर नंबर बताइए जो 8, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो पहले 8, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड 4, 9, 5, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2, 9, 5, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, 9, 5, अब ये 3 से डिवाइड होगा 1, 3, 5, ये 3 से डिवाइड होगा 1, 3, 1, 3, 5, और अब 5 से डिवाइड होगा 1, 1, 1, यानी कब तक करते हैं जब तक ये सब 1, 1 नहीं हो जाते। तो LCM होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 4 × 8 = 8, 3 × 24 और ये होगा 36, 360, यस 3 × 3 × 5, ठीक है। एलसीएम में क्या है, सभी डिजिट ली जाती हैं, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 यानी 360 हो जाएगा। अब देखिए 360 स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो देखिए यहाँ 3 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है, तो देखिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी किससे, नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 × 5 = 10। देखिए आपने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जब हमारे पेयर पूरे पूरे पेयर नहीं बनते तो उस नंबर को स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता जिस डिजिट का उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 का और 5 का पेयर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर हो जाएगा 360 × 10 = 3600। तो ये वो नंबर होगा, ये स्क्वायर नंबर भी होगा, इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, और जो 8, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ये था कि ऐसा स्क्वायर नंबर बताइए जिसको 8, 9 और 10 तीनों से डिवाइड किया जा सके। तो पहले तो वो नंबर निकालेंगे जो तीनों से डिवाइड होगा, तो इसमें क्या करते हैं तीनों डिजिट का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 360।
अब इसको स्क्वायर नंबर बनाएंगे, तो स्क्वायर नंबर इसके फैक्टर क्या हैं, ये सब इसके फैक्टर हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जिसका पेयर नहीं बनाए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 × 5 यानी 10 से, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3600। ये वो स्क्वायर नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं और ये 8, 9, 10 से डिवाइड भी होगा। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ इज 2450 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ट्वाइस है, लेंथ इज इक्वल टू 2x, तो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर आया है और इसका एरिया दिया है 2450, तो 2x स्क्वायर जो होगा 2450 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2450 अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा 1225, और x जो होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 1225, तो इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 1225 का, तो ये 5 से नंबर, देखिए लास्ट डिजिट ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और डिजिट का सम 10 आ रहा है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 5 लास्ट डिजिट 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 2 बचेगा, 5 × 4 = 20, 2 बचेगा 25, 5 × 5 = फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = फिर ये 7 से डिवाइड होगा, 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 7 यानी 35, तो ब्रेथ होगी, ब्रेथ इज इक्वल टू 35 मीटर और लेंथ इज इक्वल टू 2 × 35, लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है 70 मीटर, और पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 × लेंथ + ब्रेथ, तो ये होगा 2 × 70 + 35 इज इक्वल टू 2 × 105 इज इक्वल टू 210 मीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन ये था कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है, तो और उसका एरिया है कितना, 2450 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ को हमने क्या लिया, एक्स, तो ब्रेथ को एक्स लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x उसका एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का, और एरिया 2450 मीटर स्क्वायर भी दिया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, ये आएगा 1225, और x की वैल्यू जो आएगी वो होगा इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट लिया हमने, 5 और 7 के दो पेयर बने, तो x इज इक्वल टू 35 यानी ब्रेथ 35, और लेंथ हो जाएगी इसकी ट्वाइस यानी 70 मीटर। तो हमारे पास रेक्टेंगल फील्ड की लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई, पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2 × लेंथ + ब्रेथ से, तो ये होगा 2 × 70 + 35, जो इनका सम होगा 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 इसकी पेरीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए,
आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मेथड सिखाएंगे, डिवीज़न मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। ओके, थैंक यू।